मस्जिद वजीर खान में फिल्में बनाने वाले और चांद टक्के दिखाकर अल्लाह के घर की इतनी भी उन्नति की थी, बदमाशियां करते हो, लबैक का नारा क्यों लगता, मस्जिद फिल्म सिर क्यों फिल्माया। आप कहते हो जी हमने पाबंदी लगा दी है, पहले क्यों कीता तुसी, तुहानू मस्जिद आदाब का पता नहीं सी, ना करदे हो तुसी। रैली तो पहले पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया, आंदा नहीं होगा, जो हुआ उनके खिलाफ पर्चा कर दो। हमसे बड़ा कोई ना मुहिब्बे वतन है ना कोई मुहिब्बे इस्लाम है तो सामने आए। मस्जिद वजीर खान के जितने भी मुतालिक जिन लोग उस साल उसमें शरीक हैं, जिन्होंने पैसे लिए, इजाजतें दी, इधर फूल फेंकने पर दहशतगर्दी के पर्चे, इधर फूल फेंकने पर दहशतगर्दी के पर्चे, और मस्जिद में नाचने वालों को सिर्फ ये कहकर छोड़ देना कि अंदर नहीं होगा, जो हुआ उसका जिम्मेदार था। इंशाल्लाह मस्जिद वजीर खान में मैं अंदर जुमा पढ़ूंगा। कहते हैं सरकारी मस्जिद है, इजाजत नहीं है जुमा पढ़ाने की, पढ़ाने की इजाजत नहीं है, पढ़ने की तो है ना। हम एक कोने में बैठ कर जुमा पढ़ लेंगे और सिर्फ मस्जिद को सलाम करेंगे कि वानल मसाजिद अल्लाह, ये मस्जिद अल्लाह की है, सलाम करेंगे कि जो बड़े बड़े सैयद दीदार अली शाह साहब यहाँ जमातें कराते रहे, बड़े बड़े शेर हजरत सैयद अबुल असनाद कादरी जुमे पढ़ाते रहे, सैयद खलील अहमद कादरी जुमे पढ़ाते रहे। दीवारों को कह देंगे वो तो बड़े थे लेकिन हमारे जैसे नालायक उनके वारिस जरूर है।